इनके जिम्मे इंसानी जान, निजी में बिजी हुए भगवान, सफेद कोट की किल्लत भारी, अपना भाई काम सरकारी, लाइलाज डॉक्टर। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। पैसों के पीछे सब भागना चाहते हैं, अब इसी पैसे के पीछे अस्पताल के भगवान भी भागने लगे हैं। हालात ये हैं कि सूबे के 13 जिलों के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी हो चली है, लेकिन सवाल है कि अगर अस्पताल के डॉक्टर इसी तरह भागते रहे तो बीमारों की देखभाल कैसे होगी। बिग बुलेटिन में आज चर्चा इसी गंभीर मुद्दे पर हम करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता, और योग्यता ही आपको पैसा दिलाती है। लेकिन जब पैसे का लालच पेशे पर हावी हो जाए तो तब विद्या, विनम्रता और योग्यता के क्या मायने रह जाते हैं? और क्या योग्यता हासिल करना महज अपनी जेब भरना भर है? इंसेंटिव के नाम पर 13 वो जिले जिनको हम आदिवासी जनजाति जिले भी कह सकते हैं, जिसमें दूसरे वो जिले भी शामिल है जहाँ आधारभूत संरचनाएं कम है, उनमें विशेषज्ञ अगर अपनी सेवाएं देगा तो प्रतिमाह सरकार की तरफ से मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त 35,000 से लेकर 25,000 रुपए तक उसको अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। भगवान के स्वरूप की कल्पना कभी एक जैसी नहीं रही, पर फिर भी डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया। अब ये भगवान सरोकार से हटकर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगे हैं। पहला कारण तो ये है कि जो प्राइवेट क्षेत्र में सुविधाएं मिल रही है, चाहे वेतन सुविधा हो, चाहे दूसरी सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट सुविधा हो, चाहे आवास की सुविधा हो, वो सुविधाएं सरकारी स्तर पर उपलब्ध नहीं है। दूसरा, जो सुविधाएं, जो संरक्षण, जो प्राइवेट नौकरियों में मिलता है, वो सरकारी नौकरियों में नहीं है। डार्क जोन के 13 जिलों में अस्पताल के भगवान की कमी हो रही है। इन भगवान को मनाने के लिए उनकी तनख्वाह से 25,000 रुपए ज्यादा दिए जा रहे हैं, लेकिन ये भगवान भक्त को छोड़कर बिजनेस हब की तरफ चल पड़े हैं। अब सवाल है कि क्या बीमारी लाइलाज है या इलाज करने वाले? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। सवाल बड़ा यही है कि क्या डॉक्टर पैसों के पीछे भाग रहे हैं? एक सेवा भाव डॉक्टर के पेशे में माना जाता है, क्या उस सेवा भाव से पूरी तरीके से विमुख हो रहे हैं आजकल के डॉक्टर? ये गंभीर समस्या है। शंकर सिंह राजपुरोहित, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश मीणा, कांग्रेस पार्टी के नेता, डॉक्टर नसरीन भारती, महासचिव है चिकित्सक संघ के, आप तीनों का स्वागत है। और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में जुड़े हैं। मेरा पहला सवाल नसरीन भारती जी आपसे ही है कि आखिर क्या कार जो आजकल के डॉक्टर आ रहे हैं, क्या उनमें पैसे कमाने की भूख ज्यादा नजर आ रही है? सेवा भाव जो डॉक्टर पेशे माना जाता है उसे अब वो बिल्कुल विमुख हो चले हैं? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, बीच में बंद हो रही है, बंद हो रही है। अभी आ रही है आपको आवाज? हाँ, अब आई है। आखिरकार आजकल के डॉक्टर क्या पैसों के पीछे भाग रहे हैं, सेवा भाव को भूल चुके हैं? हेलो, हाँ धर्मराज जी, मैं आपकी बात से कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स पैसे के ही पीछे भाग रहे हैं, और ये भी गलत नहीं हुआ कि पैसा अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा अंग है और बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ी जीविकोपार्जन से ही जिंदगी आगे चलती है। लेकिन जिस तरह से मानव जो आजकल संस्कार, मेरे को लगता है कि लोगों के अंदर भाव थोड़े से कम हो गए हैं, और ये सब कुछ इसके कई कारण है। पहले के जो भी पुराने डॉक्टर्स हैं वो तो आज भी मतलब इस समर्पित हैं, और सारे डॉक्टर्स के अंदर ऐसा नहीं है कि वो सेवा भाव की कोई कमी है। लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि सरकारी नौकरी में एक तरह से फंदा नजर आने लगा है लोगों को, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस हैं, दे आर नॉट फेवरिंग। आप देख रहे हो, हाँ, आए दिन आके डॉक्टर्स के ऊपर मार काट होने लगी है, आप पैरा मेडिकल के ऊपर थप्पड़ पड़ने लगे हैं, तो इससे थोड़ा मनोबल कम हो गया है डॉक्टर्स का। वो काम करने के लिए मतलब चाहते हैं किंतु परिस्थितियां उनको फेवरेबल नहीं है। दूसरा, सरकार की इतनी योजनाएं चालू हो गई हैं जो सब डॉक्टर्स उनको आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो योजनाओं को पहुंचाते हुए भी सारी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई है कि डॉक्टर कम, वो क्लर्क ज्यादा हो गया है। डॉक्टर, एक पीएचसी का डॉक्टर, एक सीएचसी का डॉक्टर, उसको इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, इतनी ज्यादा ऊपर से नीचे तक ये इसकी इस रिपोर्ट भेजो, वो रिपोर्ट भेजो, यहां पर कैंप लगाओ, ये आशा के पास जाओ, तो वो डॉक्टर ही कब करे, मुझे ये समझ में नहीं आता। तीसरा,
आए जो जो लोग हैं उनको बड़े अहम मुद्दे ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। दो बड़े अहम मुद्दे आपने उठाए हैं शंकर सिंह राजपुरोहित साहब, क्या जो बातें डॉक्टर नसीम भारती कह रही हैं ये दो अहम मसले हैं या फिर आपको इनसे इतना भी कोई अलग मसला लगता है? जहां तक यह है कि सरकार ने, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, बोलिए। सरकार ने एक व्यवस्था की है, अब ये तो क्या है कि वातावरण बिगाड़ दिया है कि सरकारी जो है व्यवस्था में डॉक्टर सुखी नहीं है। देखिए, डॉक्टर जब पढ़ता है ना, एक सरकार का डॉक्टर को बनने पढ़ने तक 50 लाख रुपए खर्च होता है। अब वो डॉक्टर कैसे बनता है, परिवार की जिज्ञासा कैसे है? लेकिन ये आज का जो आधुनिक माहौल है, ये जो वेस्टर्न कल्चर इस देश के अंदर आया है, वास्तव में ये जो मैं इस बात से तो इनके समर्थन करूंगा कि संस्कारों की जो कमी आई है उसके कारण, ऐसा नहीं है कि कोई पूर्ति नहीं होती है। आखिर एक व्यक्ति को दो टाइम रोटी चाहिए, अपने परिवार का सारा सामाजिक कामकाज करने के लिए व्यवस्था चाहिए, उतना जरूर हो रहा है, लेकिन होड़ा घोड़ के अंदर डॉक्टर सेवा अपनी भूल रहा है। अब वो सेवा के पीछे उस डॉक्टर को अपनी मानवता को याद रखना पड़ेगा। चलिए, हर पेशे के साथ एक मानवता भी जुड़ी होती है कि आखिरकार आपको अपने उस पेशे से भी ईमानदारी बरतनी है। रमेश मीणा साहब, जो दो बातें शंकर सिंह राजपुरोहित और नसीम भारती जी ने कहा, इनसे इतर आप अगर कोई पक्ष रखना चाहे अपना इस मुद्दे पर, आखिरकार क्यों डॉक्टर नई सरकारी सेवा में काम करना चाहते हैं? पहला तो यह है कि डॉक्टर्स, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ रूरल एरिया में उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक जो डॉक्टर्स की रहती है, या अदर्स सर्विस की बात करूं मैं, तो हर आदमी अर्बन एरिया में सर्विस करना चाहता है और वो रूरल में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? वहां पर उसको पानी, बिजली, सड़क, जो भी मूलभूत सुविधाएं है वो नहीं मिल पाती हैं। और सेकंड थिंग उसकी ये है कि उसके बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई प्राइवेट स्कूल से, जो उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आज के युग की, जो अर्बन में मिलती है, वो सुविधाएं नहीं मिलने के कारण वो शहर की ओर भागता है। और जैसे ही फर्स्ट पोस्टिंग उसकी रूरल में होगी, कोशिश करेगा कि 8 दिन में 15 दिन में जब भी ट्रांसफर पॉलिसी आए, ट्रांसफर होंगे, तो सबसे पहले वो अर्बन एरिया के आसपास शहरी इलाके में या उस जगह लगना चाहेगा। दूसरा जो रहा व्यवसाय पैसे वाली बात करें, कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो रूरल एरिया में जमे हुए हैं, जिनकी प्रैक्टिस जम गई है, उनको इलाज से या गरीब से या अमीर से कोई लेना देना नहीं है, उनका बिजनेस चलना चाहिए और वो पैसे देकर भी सिस्टम में वहीं पर रहना चाहिए। ठीक है, अमिताभ जी को चर्चा में लाऊंगा। जो बात शंकर सिंह पुरोहित ने कहा, 50 लाख रुपए डॉक्टर के पढ़ाई लिखाई में खर्च होता है, फिर वो पैसे के पीछे भाग जाता, आखिर क्यों? देखिए, ये सब चीजें हर चीज पर लागू है, पुलिस पर, प्रशासन पर, डॉक्टर पर, इंजीनियर पर, मास्टर पर, सब पे लागू है कि भाई ईमानदारी हो, सच्चरित्र हो, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये तो हर कथा के बाद पंडित जी कहलवाते हैं, इस बात का कोई बहुत अर्थ नहीं। इसको कहां कहां हम लोग ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए। अगर आप सरकार के अनुदान से पढ़े हैं तो आप इस बात के लिए बाध्य होने चाहिए कि आप सरकार के बताए हुए स्थान पर नौकरी करें कम से कम 5 वर्ष तक। अगर राजस्थान में इस दिशा में कानून नहीं है तो एक कानून लाया जाना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पास आउट होंगे उनके ऊपर यह बाध्यता लगाइए कि 5 साल उनको सेवा देनी ही होगी, वहां फिजिकली रहना ही होगा रिमोट एरियाज में, जिनको राजस्थान की सरकार ने अभी परसों विधानसभा में डार्क जोन बोला, 13 जिलों को, उनकी जिम्मेदारी लगाइए, डार्क जोन में रहना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ के चले जाइए, मत पढ़िए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़िए, 1 करोड़ रुपए पर दीजिए 7 साल के लिए, 2 करोड़ रुपए दीजिए, क्या दिक्कत है? आप मेरे टैक्स के पैसे से पढ़ रहे हैं भारती जी, ये मेरे टैक्स का पैसा है, ये सांसद महोदय की तनख्वाह का हिस्सा थोड़ी ना है, ना भाजपा के अकाउंट से जा रहा ना कांग्रेस के, ये मेरे जैसे गरीब आदमी के टैक्स का पैसा है जो आपकी पढ़ाई पर जा रहा है, और उसके बाद आप फोर्टिस और एस्कॉर्ट ज्वाइन करेंगे अपोलो, ये चीटिंग नहीं चलेगी, नो, बंद होनी चाहिए तत्काल। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, अगर सरकार के पैसे से पढ़ेंगे तो सरकार के हिसाब से चलना चाहिए, बात खत्म हो गई, इसमें लंबी बहस की जरूरत ही नहीं।
और अगर हम ये बातें करने लगेंगे कि भाई नए प्राणियों में सद्भाव आना चाहिए, तो 1000 साल तक प्रतीक्षा कीजिए, जब सब में सद्भाव आ जाए तो हम लोग चर्चा कर लेंगे, गरीब आदमी को डॉक्टर मिल जाएगा तब। और नहीं आया कहीं 1000 साल में भी सद्भाव, तो गरीब मरता रहेगा, आदिवासी मरता रहेगा। उत्तराखंड में भी यह समस्या है, वहां सरकार के 99% डॉक्टर जो सरकारी है वो प्लेन में नौकरी करना चाहते, पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते। मैंने वहां के मुख्यमंत्री से कहा कि इनकी सबकी सेवाएं खत्म करो भाई, तमाशा है क्या, क्यों नहीं जाएंगे आप? आप सरकार के पैसे से पढ़े हैं। और दूसरी बात, सरकार की एक अथॉरिटी भी होती है। अगर समाज का हर वर्ग ऐसे ही सरकार के निर्देशों को, सरकार की इच्छाओं को उल्लंघन करना शुरू कर दे, तो फिर सरकार क्या सचिवालय के 150 कर्मचारियों के लिए बनी है क्या? नहीं ना। मास्टर कह दे मैं वहां जाऊंगा नहीं, डॉक्टर कह दे मैं वहां नहीं जाऊंगा, इंजीनियर कह दे मैं यहां नहीं जाऊंगा, तो सरकार किस लिए बनाई है फिर, किस लिए? ये तर्क नहीं चलेगा कि बच्चे को अच्छा स्कूल नहीं मिलता है। बात पर राजस्थान सरकार ने कठोर कदम उठाया है, आपकी जानकारी के लिए बता दें हम, ये कठोर कदम ये उठाया है कि उस डॉक्टर से बॉन्ड भरवाएंगे, 5 लाख और 10 लाख का बॉन्ड भरवाएंगे। नहीं नहीं, ये 5 लाख, शंकर जी, 5 लाख 10 लाख रुपए का बॉन्ड आप फिर मजाक कर रही है सरकार का, या मजाक नहीं है, कहीं ना कहीं डर तो देना पड़ेगा। शंकर सिंह पुरोहित, 1 सेकंड सुन लीजिए, सरकार या तो ना समझे या मजाक कर रही है। पूछे कैसे, मैं बता देता हूं। एक एमबीबीएस डॉक्टर 4 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक दिन में अटेंड करता है, ठीक है, और 5 लाख रुपए महीने कमाता है, और एक नर्सिंग होम अपना भी छोटा सा डाल देता है, घंटे दो घंटे वहां भी बैठ लेता है, 1-2 लाख वहां से भी ले लेता है। उसको क्या फर्क पड़ रहा है 5 लाख रुपए चुकाने में, 5 लाख रुपए चुका के भोग से भरी हो या नहीं, ये बाध्यता कर दीजिए। भरी होने का क्या मतलब भाई, गवर्नमेंट के पैसे से पढ़ेंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको नौकरी करनी ही पड़ेगी ग्रामीण इलाके में, 5 साल नहीं करेंगे सरकार आपकी डिग्री जब्त कर लेगी, बात खत्म हो गई। इसमें क्या समस्या है भाई, आप पढ़ने के बाद हर आदमी जयपुर रहेगा तो झोलावाड़ का आदमी क्या मरे? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा ना। और जो लोग कह रहे वहां सड़क नहीं, वहां सुविधाएं नहीं, जब वो भी झालावाड़ भी जयपुर हो जाएगा तो वहां भी अपोलो और फोर्टिस खुल जाएगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा? गरीब तो तब भी मरा। सरकार गरीब के लिए होनी चाहिए, उस रास्ते में जो भी रोड़ा आए उसको हटाना चाहिए कानून से, बात खत्म। इसमें लंबी बहस होनी नहीं चाहिए थी सरकार के स्तर पर, सख्ती के साथ सरकार को ये तय करना। कल को मास्टर भी यही कहेंगे हम नहीं जाना चाहते जी वहां इस गांव के स्कूलों में, तब नहीं कठोर होंगे। डॉक्टर कहेगा हम भी नहीं जाना चाहते, तब क्या करोगे, कहां से लाओगे, मंत्री पढ़ाएंगे जाके क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं अग्निहोत्री जी आपकी बात से इत्तफाक नहीं रखती हूँ। नहीं, आपको रखना भी नहीं चाहिए आज। नहीं नहीं, एक बार मैं आपको ये कहना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स गांव में नहीं जाते, 90% डॉक्टर्स गांव में जाते हैं, 10% वो डॉक्टर गांव में नहीं जाना चाहते जो बड़े अच्छे घरों से हैं या वो खूब अप्रोचिंग परिवार से बिलोंग करते हैं। वरना हम, मैं खुद बताती हूँ, हम लोगों ने सबने 7-7, 8-8 साल गांव में नौकरी की है, क्योंकि हम पीजी थे, उसके बावजूद हम लोग सीएचसी लेवल पर गए हैं, बिजौलिया माउंट। ये बताइए, नहीं सरकार 2 साल का बॉन्ड क्यों भरवा रही है? सरकार ने सही है, बिल्कुल सही है भारती जी, क्यों सरकार 13 जिलों को डार्क जोन घोषित कर रही है? अगर सबने काम किया तो डार्क जोन होता ही नहीं। मैं बता रही हूँ ना, उसकी वजह है, उसके कारण है, क्योंकि डॉक्टर्स भी इंसान है, डॉक्टर्स के भी परिवार होते हैं। और डॉक्टर्स में जो अभी कहा था मीणा साहब ने, मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि आजकल का जो समाज है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नसरीन जी, वहाँ जो लोग रहते वो इंसान नहीं है क्या? डॉक्टर इंसान है और वहाँ माँ बाप भी रही, वो इंसान नहीं है? ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी इंसान है इसलिए नहीं जाना चाहते वहाँ, आपने बोला इसका मतलब वहाँ इंसान नहीं रहते। भाई राजपुरोहित जी, 13 जिलों में इंसान नहीं रहते, तो दूसरी आबादी है, आप क्या कहना चाह रहे हो? शंकर सिंह जी, एक मिनट भारती जी, सरकारी, अरे भाई एक मिनट रुक जाए ना भारती जी, एक मिनट रुकिए। शंकर सिंह जी,
क्या इन 13 जिलों में इंसान नहीं रहते, कोई दूसरी प्रजाति है? ये तो आप गलत बात है, इंसान की बातें नहीं कर रहे। वो बात ही नहीं कर रहे कि वो डॉक्टर भी इंसान है। बिल्कुल, एक मिनट जी, ऐसा है गणपति जी, ये जो इम्बेलेंस जो हुआ है ना, आज का ठीक नहीं होगा। 13 जिले क्यों हुए? क्योंकि वहां लिटरेसी कम है, वहां के डॉक्टर्स, वहां के कंपाउंडर निकले नहीं, सरकारी आज तक व्यवस्था वहां पर बनी नहीं। ये पहली बार हमने मैंने विधानसभा में कहा है कि जिस प्रकार से जो शिक्षा के माध्यम में जो डाक जिले है, वैसे के वैसे चिकित्सा सेवा में भी वहां पर 8 वर्ष 10 वर्ष रहेगा। ये नियम लाओ, ये हमने विधानसभा में कहा है। आपकी बात को हमने, लेकिन 2 साल का बॉन्ड क्यों भरवा रहे हैं 10 साल का बॉन्ड भरवाइए। ये प्रयास है कठोरता लाने के लिए। सीढ़ी ये पहली सीढ़ी है अग्निहोत्री जी, मैं आपको 10 साल और इंतजार करना पड़ेगा। शंकर जी माफ कीजिए, फिर 10 साल इंतजार करना पड़े? 10 साल में क्या होता है ये? अरे ये पहली बार बात हुई है और पहली बार बात पर ये पहली। अच्छा एक बात मुझे सब लोग समझाओ जितने मेहमान हैं, आखिर देश की सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी? अभी तक सिविल सर्विसेज मानी जाती है, उससे बड़ी परीक्षा कोई मानी नहीं जाती अभी भी भारत में। जिससे सबसे कठिन परीक्षा एमबीबीएस होती है, आपको बता दो। भारती जी मेरे ऊपर रहम करिए, अपनी बारी पर बोलेंगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, तुम्हें बता रही हूँ, हमको परीक्षा इतनी हाई नहीं होती है। ऐसे तो फिर ये अंताक्षरी हो जाएगी, ये बहस है अंताक्षरी, फिर किसी और दिन है ना, आज नहीं। सिविल सर्विसेज क्रॉस करके जो बच्चा आता है वो भी झुंझुनू और झालावाड़ में तैनाती लेता है। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज क्रॉस करके जो पास करके बच्चा आता है वो भी अच्छे घरों से आता है। अभी भारती ने कहा कि अच्छे वेल ऑफ फैमिली के बच्चे नहीं जाना चाहते। हाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहते भाई, बात तो सुनो, लगातार मत बोलो भारती जी, दो बार आपको टोका, बात समझिए ना। मेरी बहस का एक फॉर्मेट है, उसी पर चल रहा होगा मित्र जी। वो लोग भी जाते हैं, आईएस का बेटा भी आईएस बनता है और वो भी झालावाड़ में तैनाती लेता है, एसडीएम लेता है ना शंकर सिंह जी? लेता है। वही ये तर्क चलता है क्या कि जी मैं झालावाड़ में जाऊंगा, मेरा बाप चीफ सेक्रेटरी था, मेरा बाप डीजीपी था, ये चलता है क्या? नहीं चलता ना। ये प्रशासनिक सेवा में नहीं, डॉक्टरों के लिए, डॉक्टरों के लिए ये छूट क्यों? मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। आईएस वहां जा सकता है, आईपीएस वहां रह सकता है, प्रोविंशियल सर्विसेज पास आउट करने वाले योग्य बच्चे वहां रह सकते हैं, एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट एडीएम तमाम पदों पर रह सकते हैं बच्चे, एसपी डीवाईएसपी एसपी सिटी हो रह सकते हैं। डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे बोलिया, मूलभूत सुविधाएं लाइए पहले पेरिस के बराबर की तो रहूंगा। तो भाई साहब मैं कह तो रहा हूं, एक रास्ते सब बंद नहीं हो रहे। मेरे सुझाव में तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता, झालावाड़ में रहना चाहते हो तो 20,000 रुपए साल की फीस पर डॉक्टर बनो, नहीं रहना चाहते हो 5 करोड़ 2 10 करोड़ 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोले हुए वहां से डॉक्टरी करिए। आप सुन लीजिए ना, ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी। एडमिशन लेते समय गौतम बुद्ध और बाद में कहोगे नहीं हम तो नहीं मानते, ये नहीं चलना चाहिए। इतनी सी बात कह रहा हूं, इसमें क्या समस्या क्या भाई मीणा साहब? आपका की बात का मैं समर्थन करता हूं और ये मुद्दा मैंने प्रथम बजट में बहस के दौरान डिमांड में रखा था कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स 5 साल की जो प्राइमरी प्रथम सर्विस है वो जहां पर सरकार नियुक्त करे और सरकार के पैसे से पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बने तो 5 साल रूरल में रिमोट एरिया में सेवा दे, और जो भी डॉक्टर्स है चाहे अर्बन में चाहे रूरल में जो सरकारी नौकरी में सरकार में रहता है और उसी का जो इम्पैक्ट जनता में जाता है, मरीज आते हैं और उनका प्रभाव बढ़ता है कि अच्छा डॉक्टर है तो उसकी एक रेपुटेशन बढ़ जाती है, फिर वो एक नए सिस्टम में चला जाता है, वो एक बिजनेस का रूप धारण कर लेता है। तो आपकी बात से मैं इसको सपोर्ट करता हूं कि सरकार मिनिमम 5 साल का बॉन्ड के उसको रिमोट एरिया में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज से पढ़ा है या किसी सरकार में नौकरी करना चाहता है सर्विस करना चाहता है तो उसको 5 साल वहां सेवा देनी ही पड़ेगी। भारती जी आईएएस रह सकता है गांव में, आईपीएस रह सकता है आदिवासी जंगलों के बीच में, डॉक्टर नहीं रहेगा क्यों भाई? ये ऑल एंड नल लॉ नहीं है,
डॉक्टर भी रह रहे हैं, कुछ डॉक्टर नहीं रहना चाहते। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, 99% डॉक्टर्स रह रहे हैं, मैं आज भी बोलती हूँ। पहली बात तो हमारा 10,000 का काडर है जिसमें सिर्फ 6,000 डॉक्टर राजस्थान में काम कर रहे हैं। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं तो 4,000 डॉक्टर तो वैसे ही कम है सरकारी सेवा में, तो 4,000 डॉक्टर की पहले भर्ती तो कीजिए आप, और फिर वो डॉक्टर गांव में जा रहे हैं ऐसी बात नहीं है। मैं बता रही हूँ डॉक्टर जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। कुछ डॉक्टर जो मैंने बोले थे कि जो वेल नोन फैमिलीज से हैं या जिनका ऊपर तक अप्रोच है, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। वो हर जगह होते हैं, वो आईएएस में भी होते हैं, वो भी अपनी पोस्टिंग अच्छी जगह करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो 90% डॉक्टर जा रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। उन डॉक्टर्स को फैसिलिटी दीजिए आप, वो वहाँ काम कर रहे हैं। आम जनता के अंदर धैर्य होना रखना होगा। आम जनता कहाँ धैर्य रख रही है, सब सिर पर चढ़ते हुए आते हैं। एक सेकंड में पेशेंट ब्लीडिंग आ गया, एक्सीडेंट तो एक ट्रक वाला करके चला गया, मरीज को लेकर वो हॉस्पिटल में आते हैं, डॉक्टर पैरामेडिकल उसके आईवी लाइन लगा रहा है, उसको ऑक्सीजन दे रहा है, वो रिक्वायरमेंट जो भी नीड के लिए वो कर रहा है। लेकिन आम जनता को उसके लिए सबर नहीं है, वो आके डॉक्टर को पीटने लगते हैं, पैरामेडिकल को पीटने लगते हैं, उससे माहौल खराब होता है। और यही सब चीजें हैं जिससे लोगों का भंग हो रहा है सरकारी नौकरी से, ये बहुत बड़ा कारण है। पहले इतनी राइटिंग वर्क नहीं होता था, मैं भी आज 27 साल से सरकारी नौकरी में हूँ, पहले राइटिंग वर्क इतना नहीं था जितना इन 5 सालों में बढ़ गया है। जितने फ्री योजनाएं सरकार की चल रही है वो कौन नीचे तक पहुंचा रहा है, सिर्फ एक डॉक्टर ही है जो मीडिया है। भारती जी, आपने 2-3 जो मुद्दे उठाए हैं अहम मुद्दे हैं, लेकिन उन पर फिर कभी हम चर्चा कर सकते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर पर वर्क प्रेशर है, हम इसे इनकार नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी जो हमारा मूल सवाल है जिसको लेकर आज हम आए हैं, आपने जिक्र किया कि कुछ रिनॉर्ड फैमिलीज के डॉक्टर हैं जो नहीं काम करना चाहते, आपने आईएएस का जिक्र कर दिया, आईपीएस कर दिया। इसमें एक एक सवाल मेरे दिमाग में आया शंकर सिंह जी, क्या एक बार जॉर्ज फर्नांडिस साहब रक्षा मंत्री थे भारत के, भारतीय सुनेंगे तो समझ आएगा इनको मैं क्यों बोला ये उदाहरण, तो उन्होंने सिक्योरिटी वापस कर दी। मैंने जॉर्ज साहब से पूछा कि सिक्योरिटी क्यों वापस कर दी, आप भारत के रक्षा मंत्री हो, आपका जीवन कीमती है, तमाम तरह के संकट हो सकते हैं आपके लिए। तो उन्होंने कहा अग्निहोत्री मैंने अपनी इच्छा से राजनीति चुनी है जी, मैं इस पेशे के जो प्रोफेशनल हजार्ड्स है उनको मुझे झेलना चाहिए। मुझसे डॉक्टर किसी ने कहा तो नहीं था राजनीति करो, मैं बैंक में पीओ हो जाता, मास्टर हो जाता, वैसे ही किसी ने कहा आप डॉक्टरी करो, कोई बाध्यता तो नहीं ना राजस्थान में कि डॉक्टरी नहीं करेगा हर पांचवा बच्चा तो पुलिस पकड़ लेगी। शंकर सिंह जी ऐसा तो है नहीं, बराबर है, बिल्कुल सही बात है। आप दूसरा पेशा क्यों नहीं करते, नहीं वो बात बराबर है। आप मालवीय नगर में शोरूम खोलिए सरलापे का, दिन भर वही बैठिए जयपुर में और लंबी गाड़ी से घूमिए, झालावाड़ नक्शे में भी मत देखिए, हमें ऐतराज नहीं होगा। लेकिन सरकार की तनख्वाह लेंगी तो जाना ही पड़ेगा, तब जाना ही पड़ेगा, तब ये नहीं चलेगा कि लोग मेरे सिर पे चढ़ाते हैं, मैं क्या करूं जी, इतनी भीड़ होती है जी, हिंदुस्तान की आबादी है, भीड़ होगी, होगी, होनी नहीं चाहिए। हमारे टैक्स का पैसा मेडिकल स्टाफ पर जा रहा है भाई, ये मुफ्त दवा योजना किसी सरकार के अकाउंट से जा रही है क्या, ये जनता के अकाउंट से जनता के लिए है। आपको इसमें तकलीफ है कि पोलियो ड्रॉप का प्रोग्राम हम क्यों चलाए, और किस लिए नौकरी है, नौकरी किस लिए है भाई। अगर कप्तान कल को ये कहे कि भाई जब मैं रामलीला भी निकलवाऊं, मैं राम बरात भी निकलवाऊं, मैं शबे रात की बरात भी निकलवाऊं, मुहर्रम का जुलूस भी निकलवाऊं, अकालियों का जुलूस भी निकलवाऊं, इतना काम नहीं होगा मेरे से, मानने के क्या मीना साहब उसकी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने हमारे साथी माननीय विधायक ने भी एक डार्क जोन 13 जिलों की बात की, उसके अलावा भी राजस्थान में पूरा भरतपुर संभाग देख लीजिए आप, हैं धौलपुर करौली सवाई माधोपुर रिमोट एरिया में आज की तारीख में सीएससी लेवल पर डेपुटेशन पर डॉक्टर लगे हुए हैं, मूल पोस्टिंग डॉक्टर की कहीं यहाँ एपीओ बैठा हुआ है, यहाँ पर जयपुर में बैठा हुआ है जो एक बाबू का काम कर रहा है। और स्थिति यह है कि जब तक सरकार की मंशा सही नहीं होगी तो स्थिति आपने अभी देखी है थोड़े दिन पहले कि स्वाइन फ्लू से 362 मौतें राजस्थान में हो चुकी हैं, और सीएससी और पीएससी लेवल पर और एएनएम जो सब सेंटर है वहां पर ताले लगे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, स्थिति इतनी भयावह है राजस्थान में कि सरकार चलिए खत्म हो रहा है। नसरीन जी आपसे तो इसमें सुधार नहीं हो सकता, कुछ कह रहे हैं शंकर जी संक्षेप में कहिएगा। ये जो है ना ये राजनीतिक मंशा, पिछले 5 वर्ष में जो चिकित्सा का सारा माहौल बिगड़ा है, हमने सरकार आते ही
चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा का भी जिम्मा हमने लिया है। अरे तो भारती जी अब क्या ऐसी स्थिति में सरकार को कानून का के रूप में कोई चाबुक चलाना होगा तभी डॉक्टर्स कंट्रोल होंगे, या फिर डॉक्टर्स को खुद इन चीजों का समझना होगा कि हम सरकारी कॉलेज से अगर पढ़कर आ रहे हैं तो हम गरीब जनता के भी जाकर काम करें? बिल्कुल कानून मैं एक बात बताना चाहूंगी, इस प्रोफेशन में आता ही वही है जो सेवा के लिए समर्पित है। यह हकीकत बात बता रही हूँ मैं आपको। जो लोग पैसे के पीछे भागने वाले हैं वो वैसे बिजनेस डाल लेते हैं या वो अपना रास्ता दूसरा अपना लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इस प्रोफेशन में सेंसिटिव लोग ही आते हैं। और आप जहां तक बात है कि हमारी कमिटमेंट की, डॉक्टर हम हैं, हमें मालूम है कि हम कितनी मेहनत करते हैं और हम कितने सेंसिटिव हैं। हमारे आज किसी भी गरीब मरीज को देख के जो दुखिया रहे होते हैं, हमारे खुद की आंखों में कई बार आंसू आ जाते हैं। मैं दिल से अपनी बात बता रही हूं, सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, हम उम्मीद करेंगे और नहीं होना चाहिए। भारती जी, सरकार को भी कुछ सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। नहीं बिल्कुल, चलिए हर डॉक्टर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगी। वक्त हमारा खत्म हो गया। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी, मैं समझ ही नहीं पाया, जब काम की जिम्मेदारी की याद दिलाइए तो तनख्वाह बढ़ाओ अभियान, ये तरीका बदलो। तनख्वाह बढ़ाने का मुद्दा कभी और उठाइए, काम की जिस दिन चर्चा हो उस दिन सिर झुका के कहिए कि हाँ हम काम करेंगे। नसरीन भारती को याद होगा एक मसला है, नसरीन भारती जब नहीं, आपको याद होगा डॉक्टर्स को एक मसला आया था राजस्थान में, मेरे से बुलंद आवाज में किसी ने आपकी पैरवी की थी क्या? लेकिन गलत बात करेंगे तो मैं उतनी ही तीखी अंदाज में, अगर मैंने उतनी तीखी अंदाज में सरकार की आलोचना की थी तो नसरीन भारती मेरे लिए मेडिकल स्टाफ भी जयपुर राजस्थान का खुदा नहीं कि जिस पर बोलने में मुझे भय लगे कि डॉक्टर नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाए बड़ी खुशी की बात, जब मैं सरकार की नाराजगी और प्रसन्नता की परवाह नहीं करता तो और किसकी करूंगा? ये तर्क बेमानी है। तनख्वाह बढ़ाओ, जब बात करो तो बोले तनख्वाह बढ़ाओ, क्यों? आपको सरकार का पे स्केल पता है? क्यों आते हैं नौकरी में, क्यों आते हैं नौकरी में, पे स्केल पता है ना? नहीं अब आप समय नहीं मिलेगा, नहीं ये यूनियन के पेट पर लिख के भेजिएगा वसुंधरा जी को, या नहीं? सवाल मूल क्या है? आप लोगों ने इसको धंधे में परिवर्तित कर दिया। पूछिए कैसे? एक डॉक्टर जो झालावाड़ में तैनात है उसको आप 1.5 लाख भी तनख्वाह दे दो, 2 लाख भी दे दो, फिर भी वो मानेगा नहीं, वो झालावाड़ उसके पिंजरे से बाहर भागने की कोशिश करेगा। तनख्वाह बढ़ाना इसका उपाय नहीं है ना, मेरा अनुभव कहता है ऐसा नहीं होगा, तनख्वाह भी बेकार जाएगी। सख्ती लाइए, राजी से नौकरी होती है ना, कोई पुलिस पकड़ के नौकरी दस्तखत करवा के नौकरी में भर्ती कर रहे हैं क्या डॉक्टरों का? ऐसा तो हुआ नहीं राजस्थान में, ऐसा तो हुआ नहीं कि हर घर से एक लड़के को पकड़ेंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे और भर्ती कर लेंगे सरकार में, ऐसा तो हो नहीं रहा। आप ही फॉर्म भरते हो, आप ही पोस्टल ऑर्डर लगाते हो, आप ही इम्तिहान देते हो, राजी से ना। उसके बाद ये जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमारी मांगे पूरी करो चाहे जो मजबूरी हो, ये नारेबाजी क्यों? ये तमाशा हर आदमी करेगा तो कैसे समाज देश चलेगा, प्रदेश चलेगा? मैं एक उदाहरण देता हूं, शंकर सिंह भाई, मेरी श्रीमती जी की नौकरी लगी दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में, पहली पोस्टिंग उनकी हो गई रिमोट एरिया में, मेरे घर से 20-22 किलोमीटर दूर, सोचिएगा। मेरे तमाम मित्रों ने मुझसे कहा, उस समय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे साहिब सिंह वर्मा, वो भी मेरे मित्र थे, मेरी पत्नी भी जानती थी, वो मेरे मित्र हैं। मेरी पत्नी ने भी एक बार कहा कि एक बार बोल देते तो ट्रांसफर पास में हो जाता। मैंने कहा नौकरी छोड़ दीजिए, आप सरकार से पैसा ले रहे हैं और आप पहली पोस्टिंग में ही मना करना चाहते हैं, यह संभव नहीं होगा। आप में उसूल नहीं है तो कानून होना चाहिए, फिर डंडा होना चाहिए। मैं सरकार से कहूंगा अगर लोगों में अपने आप नैतिकता नहीं हो तो डंडा होना चाहिए, कानून होना चाहिए। होने तो नैतिकता चाहिए थी। नसरीन भारती को एक बात मैं बताऊं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है एम्स में एक डॉक्टर माधुरी बिहारी हुआ करती थी, न्यूरो की हेड HOD, उनके कुछ समय मुझे किसी को दिखाने के लिए संपर्क में उनके लिए जाना पड़ा। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि देखो अग्निहोत्री, ये 20 अपॉइंटमेंट है, ये प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और आप जैसे पत्रकारों ने करवाए हैं,
इनको तो मुझे देखना ही है। और बाहर जब आप मेरे रूम में आ रहे थे तो आपने पूरा कॉरिडोर भरा देखा ना, दोनों तरफ आदमी बैठा गरीब, इसको भी देखना है। ये फीलिंग होनी चाहिए, क्यों नहीं है? भीड़ होती है जी, लोग चिल्लाने लगते, लोगों को सब्र नहीं होगा। हमारा बेटा अस्पताल में भर्ती हो नसरीन जी, हमारी बिटिया पत्नी परिवार का कोई अस्पताल में भर्ती हो, हम बैठकर क्या एक कोने में गायत्री मंत्र पढ़ते रहेंगे? हम जगह जगह पीछे जाते, नहीं सुन, नहीं सुन लीजिए, हम जगह जगह पीछे जाते हैं डॉक्टर के, डॉक्टर 20 दफे बोलता है आप हमें काम करने दीजिए, आप उधर बैठिए, फिर भी मन नहीं मानता, हर दो मिनट में पूछते डॉक्टर साहब क्या है। इसलिए इस पीड़ा को समझिए, ये तो तर्क होता है? ऑपरेशन थिएटर के बाहर आदमी एक पांव पर खड़ा रहता है भूखा प्यासा, किस लिए? नर्स भी निकलती है तो उसके पीछे भागता सिस्टर, क्या स्थिति है? कोई गुनाह है? ये हिंदुस्तान है, इसकी मर्यादा को रखिए। आप लोग इसकी मर्यादा नहीं रख रहे, मुझे दुख है। और आपने एक बात कही 4000 डॉक्टर भर्ती कर दो। भारती जी, जब मैं कोई विषय बहस के लिए लेता हूं तो ठोक बजा के लेता हूं, मुझे पता होता है सामने वाला इसका काउंटर क्या करेगा, मुझे पता था आप ये विषय लेके आओगी। मैं अनुपात की बात कर रहा हूं, 4000 में 4000 की जो कमी है ना, उसमें 90% डार्क जोन में ही कमी है, बाकी में नहीं। जोधपुर और जयपुर में उतनी कमी नहीं है, तो झालावाड़ में क्यों? कमी का अनुपात बराबर होता तो मैं सवाल नहीं उठाता, नहीं, सारी कमी उधर ट्रांसफर कर दी और मलाई काटने के लिए इधर चले आए सब लोग। बोले जयपुर में रहेंगे, शाम को एलएमबी में दही वड़ा खाएंगे, क्यों? ये नहीं चलेगा। जनता की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। अगर तहसीलदार रह सकता है, अगर कलेक्टर रह सकता है, अगर कप्तान रह सकता है, तो डॉक्टर को भी रहना ही होगा, रहना चाहिए, नहीं बोल रहा हूं मैं, चाहिए का कोई प्रश्न नहीं, रहना ही होगा। नहीं रहे, इस्तीफा लीजिए, मुक्त करिए, पद को खाली करिए, नई भर्ती करिए। 5 मिनट में पूछिए रह सकते हो कि नहीं, कहे नहीं रह सकते। राजेंद्र राठौड़ जी को यही करना चाहिए, एक बार बुला लीजिए, पूछ लीजिए भाई रह सकते हो कि नहीं, बस नहीं रह सकते हो, हाँ है ना, रह सकते हो, कंटिन्यू करो, नहीं छोड़ दो, जो रह सकते हो उनको भर्ती करेंगे। मेरे लिए राजस्थान के 7 करोड़ लोग महत्वपूर्ण हैं, उनका जीवन महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जी दिल से कह रहा हूं, वो लोग हैं जो अपोलो और फोर्टिस में इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए मक्का वही है, मदीना वही है, काशी विश्वनाथ सरकारी अस्पताल है, पता है आपको? उनके लिए अजमेर शरीफ की दरगाह के बराबर की हैसियत रखता है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जब किसी बाप के हाथ में बेटा होता है। इस पीड़ा को समझिए, इस पीड़ा को नहीं समझेंगे तो न्याय नहीं कर पाएंगे। और मैं कहूंगा राजपुरोहित जी से, जब तक इस पीड़ा को पूरी तरह से महसूस करने लायक डॉक्टर नहीं बन जाते, तब तक कानून को कड़ा करिए। जब ये लोग खुद इतने अच्छे हो जाएंगे तो कानून हटा लीजिएगा, परमानेंट नहीं। लेकिन कई बार भीड़ का नियंत्रण करने के लिए रस्सी बांधनी पड़ती है ना दोनों तरफ, ताकि लोग भागे नहीं, तो रस्सी बांध दीजिए कानून की, उसके भीतर चले जिसको नौकरी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के चर्चा में अभी बस इतना ही। डॉक्टर नसरीन भारती बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। रमेश मीणा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शंकर सिंह राजपुरोहित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना है।